Assalamualaikum friends, welcome to Graphics वाली सरकार और मैं हूं आपका दोस्त मलिक मोहम्मद सत्तान। दोस्तों आज फिर मैं लाया हूं आपके लिए फोटो एडिटिंग की वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों टॉप टू एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम ओपन करते हैं अपने इमेज को। इस इमेज को मैंने ओपन किया यहाँ पर और इसको मैंने, ये देखें फोटो की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लो हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम इमेज साइज हम 550 कर देंगे। इसका इमेज साइज बढ़ा देंगे, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं आप। ये इमेज साइज की रेंडरिंग हो रही है यहाँ पर, ये देखें 200 इमेज साइज हमारा इंक्रीज हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल जे करेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे। कंट्रोल जे ले लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे। कैमरा रॉ फिल्टर आपके कोरल ड्रा जो फोटोशॉप है उसमें ज़रूर होता है, जो CS6 मॉडल है उसमें। यहाँ पर ऑटो करेंगे, ऑटो करने से आपके जो रियल कलर हैं फेस के वो शो हो जाएंगे। इसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपने टेम्परेचर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर देना है। यहाँ पर हाईलाइट्स कम कर देनी है, ब्लैक्स आपने यहाँ पर इंक्रीज कर देने हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका कंट्रास्ट और इसकी क्लियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे, वाइब्रेंस इसकी ज़्यादा कर देंगे, सिचुएशन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। आगे चले जाएंगे हम इसकी डिटेल्स में, डिटेल ज़्यादा कर देंगे और मास्किंग बढ़ा देंगे और साथ माउंट भी बढ़ा देंगे। नीचे चले आए तो हमारे पास ल्यूमिनेंस आ जाती है, ल्यूमिनेंस को हम यहाँ पर 15% कर देंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा थोड़ा आगे ले जाएंगे। कलर कंट्रास्ट हमारा इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। देखिए दोस्तों हमारी जो कैमरा रॉ फिल्टर की एडिटिंग थी वो सामने आ रही है, आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुई है। ये देखिए दोस्तों हमारा पहले इमेज ऐसा था, अब ऐसे हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर मिक्सर टूल यूज़ करेंगे। टूल को हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया और अपने फेस पर फेरना शुरू कर दिया। ये टूल बहुत ही मुफीद टूल है, आजकल के दिनों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है टूल। आपका फेस यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रेंडर होके आ जाता है, जो रियल कलर्स होते हैं फेस के वो सामने आ जाते हैं और उसके दाग धब्बे भी फेस के ख़त्म हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, जैसे जैसे ये टूल मैं अपनी इमेज पर फेर रहा हूँ तो ये उसकी क्लियरिटी ज़्यादा कर रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा फेर दिया और यहाँ पर मैं इसकी साइजिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये हमारा जो इमेज है जल्दी से एडिट हो जाए। यहाँ पर हमारा जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उस पर हमने ये फेर देना है। इसके बाद देखें कि दोस्तों इसमें ये चेंजिंग आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे अपने इस टूल पर और सेलेक्टिव कलर में से यहाँ पर हम ब्लैक थोड़ा सा माइनस कर देंगे, रेड हमने यहाँ पर माइनस कर लिया और ब्लैक हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। ये देखिए दोस्तों हमारा इमेज पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज डाउन करेंगे। मर्ज डाउन करने के बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, पहली इमेज का और अब वाली इमेज का। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके ड्रेस का कलर चेंज करेंगे। ड्रेस का कलर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे होता है, आज फिर बता देता हूँ। पॉलीगॉन टूल से आपने सिर्फ अपने ड्रेस की सिलेक्शन करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने ड्रेस की सिलेक्शन मुकम्मल कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे और रेक्टेंगुलर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी कलर हमें अच्छा लगे अपने ड्रेस के लिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर बकेट टूल पे आएंगे और इसको पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई पे आएंगे। मल्टीप्लाई पे आने के बाद आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। यहाँ पर आपने नीचे वाली इमेज सेलेक्ट करनी है, पहले ऊपर वाली इमेज थी, यहाँ पर एक और चीज़ रह गई थी। यहाँ पर नीचे वाली इमेज सेलेक्ट करके आपने कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने ये कलर फिल करना है। इस पर आपको फिर बता दूं कि आपने पहले कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने फिर इस पर कलर पेस्ट करना है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, ये कॉपी पेस्ट हो गया। यहाँ पर मैं कोई भी कलर इस पर
ओके कर देता हूँ। ये हमारा कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। फिर मैं ऊपर वाली इमेज और इसको एक बार मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर ऐसे हो गया। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इस पर कलर आ गया है। यहाँ पर हम कोई भी अपने ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर हम इसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड हम उसी तरह सेलेक्ट करेंगे जिस तरह हमने अपने कपड़ों की सिलेक्शन की है। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन मुकम्मल कर लिया। सिलेक्शन मुकम्मल करने के बाद नीचे वाले इमेज पे क्लिक करना है। हमने नीचे वाली इमेज पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर डिलीट प्रेस करना है और ओके कर देना है। डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पर मैजिक रेजर टूल पर क्लिक करना है और इसको सिंपली डिलीट कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड उठाएंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड ले लिया तो इसको मैंने सिंपली यहाँ से पिक टूल से पकड़ा और अपनी इमेज पर रख दिया। इमेज पर रखने के बाद इसको बड़ा कर दिया जहाँ तक हमारी इमेज है। यहाँ पर आपने शिफ्ट भी प्रेस करना है। शिफ्ट से आपकी जो इमेज है बिल्कुल लेवल में आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक और अप्लाई करेंगे और नीचे वाली और इस इमेज को पकड़ा बिल्कुल नीचे ले आएंगे। ये देखें दोस्तों, आपके इमेज की सेटिंग्स हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली क्लासेस में मैं आपको इससे भी अच्छी ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।